अरे भाई ये क्या, तुम्हारी तो शक्ल ही बदल गई। सिर्फ शक्ल ही नहीं चौधरी साहब, इसके इरादे भी बदल गए हैं। ये कहता है अब हमारे साथ काम नहीं करेगा। क्यों भाई, क्या बात है करण? अगर कोई पैसे की बात, पैसों की बात नहीं है चौधरी साहब, बस मन से उठ गया इन सब चीजों से। इज्जत की जिंदगी जीना चाहता हूं, अपना घर बसाना चाहता हूं। यह तो और भी खुशी की बात है, धूमधाम से शादी करो, घर बसाओ, और सुनो, जिंदगी में कभी भी किसी चीज की जरूरत पड़े तो मेरे पास आना। चौधरी साहब अब किसी भी चीज की जरूरत नहीं, सब कुछ मिल गया मुझे। मेरा आशीर्वाद तेरे साथ है। कॉमन सेंस की बात है, अगर यूं खिलाड़ी मैदान छोड़ने लगे तो कैसे चलेगा ये खेल? पक्का तीन ही खराब है साला, साला ऐसा तो अपना धंधा फिक्स हो जाएगा। शांत गोवर्धन शांत, ये सब गंदी नाली के कीड़े हैं। बरसात आती है तो उसके साफ पानी में अपने आप को गंगा नहाया हुआ समझते हैं। शायद ये भूल जाते हैं कि समाज में इनके लिए कोई जगह नहीं है, वापस इनको कीचड़ में ही रेंग रेंग कर जीना है। राजू, लगता है कि हमसे तुम कुछ नाराज हो। देखो बेटा, जिंदगी में कुछ पाने के लिए कुछ तो खोना ही पड़ता है, और फिर आजकल के जमाने में ये असूल, आदर्श, ईमानदारी की बातें, ये सब इंसान को कमजोर बनाती हैं। तुम तो समझदार हो, तुम्हारा एक छोटा सा घर है, एक नेक पत्नी है जिसे तुम बहुत प्यार करते हो। मैं भी तुम्हारी मामी से बहुत प्यार करता था, आज उसी का श्राद्ध है। जब तुम्हारी मामी का स्वर्गवास हुआ तो उसकी कोख में मेरा वारिस था। अगर वो होता तो आज तुम्हारी उम्र का होता। तुम तो जानते हो कि तुम्हारी मामी की मौत एक कार एक्सीडेंट में हुई थी, लेकिन तुम ये नहीं जानते कि वो एक्सीडेंट मैंने करवाया था। वो मेरे कारोबार के रास्ते में आने लगी थी। मैं नहीं चाहता कि कल फिर से वो एक्सीडेंट हो। तुम ये बस 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 बस, अगर एक लफ्ज और कहा तो इसी हवन कुंड में मैं तेरा अंतिम संस्कार कर दूंगा। कजराज चौधरी, ध्यान से सुन, मेरा और मेरे परिवार का तेरी इस दुनिया से कोई रिश्ता नहीं।